नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम हाजिर हैं। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर लौह नगरी जमशेदपुर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू हुई। आज पहले दिन मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। साक्षी के मनोकामना मंदिर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना को लेकर सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सुबह से ही मां दुर्गा की पूजा में भक्त लीन दिखाई पड़ रहे थे। आज सभी मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे थे। भक्त मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। भक्तों का मानना है कि मां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से मां दुर्गा घर में सुख शांति और समृद्धि लाती है। भक्तों का यह भी कहना है कि दुर्गा पूजा का पूरे साल भर उन्हें इंतजार रहता है कि कब दुर्गा पूजा आए और सभी धूमधाम से मां दुर्गा की पूजा अर्चना में शामिल हो पाए। भक्तों ने कहा कि मां दुर्गा शहर सहित पूरे देश में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे, यही मां दुर्गा से सभी कामना करते हैं। तिथि का आरंभ हुआ और ये शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। आज से 9 दिन माता जी का महाजग नवरात्र चलता रहेगा और ये प्रथम दिन माता सरस्वती स्वरूप माँ का पूजा अर्चना शुरुआत होता है। प्रातः बेला में माता जी का स्नान, महास्नान, स्नान, भोग, महाआरती के पश्चात जल यात्रा, स्वर्णरेखा नदी के तट पर जाकर भक्त लोग जल आए माता के चरणों में अर्पित किए हैं और सारे भक्तों का इच्छा भाई पूरा करती है, भगवान भगवान पूरा करते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किस तरह से व्यवस्था की गई? सुविधा के व्यवस्थित कमेटी के द्वारा सारा कुछ व्यवस्थित बनाया गया है। कतार बाई कतार अपना पूजा अच्छा। जमशेदपुर के सुदूर पटमदा प्रखंड के बामनी गांव में बने कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत गुरुवार से हो गई है। बता दें, वर्ष 2019 में इसके निर्माण हेतु तत्कालीन विधायक रामचंद्र सहिस के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। आज इसका विधिवत उद्घाटन व शुरुआत क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदे ने फीता काट कर किया। बता दें, 5 मंजिले इस कोल्ड स्टोरेज में कुल 9 यूनिट है और इसकी क्षमता 5000 मैट्रिक टन की है और इसे पीपी मोड पर शुरू किया जा रहा है। उद्घाटन के बाद विधायक मंगल कालिंदे ने कहा कि इसका ऑनलाइन उद्घाटन वर्ष 2021 में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दिया था, लेकिन कोरोना काल के कारण ये शुरू नहीं हो सका था। अब इसके शुरू हो जाने से स्थानीय किसानों को काफी फायदा मिलेगा। इसका उद्घाटन हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी 2021 में ऑनलाइन उद्घाटन कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद कोरोना कोविड था, उसके बाद लोकसभा में आचार संहिता के कारण जो है थोड़ा विलंब हुआ था, लेकिन आज विधिवत रूप से नारियल फोड़कर इस कोल्ड स्टोरेज को चालू किया और हमारे बड़ाम पडमदा क्षेत्र के जो किसान हैं उन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण योजना, क्योंकि सब्जी बाजार ले जाते हैं बेचने के लिए और जब शाम होता है तो सब्जी को औने पौने दाम में बेचकर वो लोग निकल जाते हैं, लेकिन आज विधिवत रूप से कोल्ड स्टोरेज को खुल जाने से हमारे बड़ाम पडमदा के जो किसान हैं उन लोगों को सहूलियत होगा और वो लोग अपने मन मुताबिक दाम पर रेट पर उसको बेच पाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के करीब आते ही राज्य में राजनीति तेज हो गई है। जहां एक तरफ नए नए शिलान्यास हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुराने शिलापटों को कोने में फेंका जा रहा है। मामला पटमदा प्रखंड के बामणी गांव का है, जहां बने कोल्ड स्टोरेज के शिलान्यास का शिलापट कोने में फेंक दिया गया है। बता दें, वर्ष 2019 में तत्कालीन विधायक रामचंद्र सहिस एवं जिले के सांसद के प्रयास से कोल्ड स्टोरेज निर्माण को स्वीकृति मिली थी। कालांतर में सरकार बदल गई और कोल्ड स्टोरेज निर्माण के बाद भी कई वर्षों तक इसे शुरू नहीं किया गया था। आज गुरुवार को आनन फानन में आचार संहिता लगने से पूर्व ही
इस कोल्ड स्टोरेज को पीपीडी मोड पर शुरू कर दिया गया। वैसे राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 में इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया था, बावजूद इसके कोल्ड स्टोरेज को शुरू नहीं किया गया था। इस मामले पर क्षेत्र के पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने इसे ओछी राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले बार विधायक बनने से पूर्व से ही क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो, और इसी कारण उन्होंने अपने कार्यालय में ही कोल्ड स्टोरेज निर्माण का शिलान्यास कर दिया था और समय अनुसार वो पूरा भी हो चुका था। उन्होंने कहा कि आज कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत की गई है, ये 4.5 वर्ष पूर्व ही हो जाना चाहिए था ताकि पूर्व से किसानों को इसका लाभ मिल पाता। साथ ही शिलापट के विषय में उन्होंने कहा कि शिलापट रहे या न रहे, लेकिन जनता को पता है कि क्षेत्र में विकास कार्य किसने किया है और समय आने पर इसका जवाब भी जनता ही देगी। ये किसानों का मांग लंबे समय से चलते आ रहा था। जब मैं विधायक नहीं बने थे तब से ही लोगों का ये मांग था। जब मुझे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता ने जनप्रतिनिधि बना करके झारखंड विधानसभा भेजा तो विधानसभा में मेरा पहला क्वेश्चन कोल्ड स्टोरेज को लेकर के ही था, और उस दिशा में हमने प्रयास किया। किसानों का जो मांग था बातों को रखे सरकार ने मेरे ही कार्यकाल में कोल्ड स्टोरेज निर्माण करने का स्वीकृति दिया, निर्माण करने के लिए राशि उपलब्ध कराया, निर्माण हुआ और आज उस कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन हुआ। ये उद्घाटन 4.5 साल पहले हो जाना चाहिए था। यदि 4.5 साल पहले कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन अगर हुए रहते तो किसानों को फायदा मिल जाता, लेकिन आनन फानन में उद्घाटन किया। अभी कुछ ही दिनों के भीतर आचार संहिता लगने वाला है, इसमें किसानों को किस रूप से सरकार मदद करेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन सरकार जिन उद्देश्यों के साथ प्राइवेट एजेंसी को दिया है, प्राइवेट एजेंसी और सरकार का ये दायित्व है, जिस उद्देश्य के साथ पटमदा में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हुआ है उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए, नहीं तो बनना और नहीं बनना बराबर हो जाएगा। मेरा शिलापट उखाड़ के फेंक दे, मेरा शिलापट लगाए ना लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पटमदा बोड़ाम के लोगों को अच्छी तरह पता है कि कोल्ड स्टोरेज का निर्माण रामचंद्र सहिस ने कराया है, चाहे जो उद्घाटन करता चाहे वो बोले या ना बोले और कितना भी श्रेय लेने का कोशिश करे, जनता सब कुछ समझती है और जनता सही व्यक्ति को ही उचित समय पर उसका जो मूल्य देना होता है वो सही समय पर देंगे। जमशेदपुर में CISE नेशनल योगा चैंपियनशिप 2024 का आयोजन दयानंद पब्लिक स्कूल में किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस चैंपियनशिप की शुरुआत गुरुवार से हुई। देश के 12 राज्यों से कुल 365 प्रतिभागी इस चैंपियनशिप में शामिल हो रहे हैं, साथ ही साथ 5 विदेशी प्रतिभागी भी चैंपियनशिप में शामिल हैं। 3 कैटेगरी में यहां खेल हो रहा है जिसमें अंडर 14, अंडर 17 एवं अंडर 19 के खिलाड़ी शामिल है। इसके उद्घाटन समारोह में TRF कंपनी के MD उमेश कुमार सिंह शामिल रहे। इसका समापन कल होगा जहां विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। CISE नेशनल योगासन चैंपियनशिप है, इसमें हमारा दयानंद पब्लिक स्कूल इसका होस्ट है। इसमें 380 स्टूडेंट्स एंड 50 कोचेस 12 रीजन इवन ओवरसीज से पार्टिसिपेट किए हैं। दुबई से कुछ स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं। ये 2 दिन का इवेंट है, आज उसका इनॉग्रेशन, कल 4 बजे उसका क्लोजिंग सेरेमनी होगा। सो इसमें 3 कैटेगरी का इवेंट होगा, अंडर 14, अंडर 17 एंड अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स। खत्म होने के बाद कल उसको जो टीम चैंपियनशिप होगा उनको प्राइज मिलेगा।
सामाजिक कार्यकर्ता शिव शंकर सिंह और उनकी टीम ने न्यू आजाद संघ के गणमान्य सदस्यों के साथ निराला पथ बारेड़ी बस्ती का भ्रमण किया और स्थानीय जन समस्याओं से अवगत हुए और उन्हें निराकरण के हर संभव प्रयास करने की बातें कही। इस दौरान शिव शंकर सिंह ने उनके द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्य, चलित कार्यालय, नागरिक सुविधा केंद्र, निःशुल्क फॉगिंग सेवा, स्वच्छता अभियान इत्यादि कार्यों से लोगों को अवगत भी कराया। जमशेदपुर के साक्षी बाजार स्थित श्रीलद साक्षी के द्वारा रिनोवेटेड शोरूम का शुभारंभ दिनांक 4 अक्टूबर 2024 से होगा। श्रीलद के संस्थापक स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र डे एक दूरदर्शी स्वतंत्रता सेनानी एवं देश के प्रति निष्ठावान व्यक्ति थे, जिन्होंने श्रीलद का पहला शोरूम 1952 में साक्षी बाजार से शुरुआत की थी। उनके दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि आज श्री लेदर्स न केवल पूरे देश बल्कि देश के बाहर भी सफलतापूर्वक चल रहा है और हजारों लाखों परिवारों को रोजगार मिला है। ज्ञात हो कि आज के समय श्री लेदर को भारत में एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में जाना जाता है। स्वर्गीय सुरेश चंद्र दे के तीसरे पुत्र स्वर्गीय आशीष जे भी अपने माता पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए उनके सिद्धांतों को अक्सरश पालन करते हुए श्री लेदर्स को एक नई मुकाम पर पहुंचाया था और अब सुरेश चंद्र डे के पौत्र द्वय एवं स्वर्गीय आशीष डे के दोनों पुत्र सुभाषीष डे एवं शनॉय डे ने भी अपने पूर्वजों द्वारा निर्धारित स्थापित आदर्शों को अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास में लगे हुए हैं और आज इसी का परिणाम है कि श्री लेदर्स अपने रिनोवेटेड शोरूम का पुनः उद्घाटन करने जा रही है। जो आई थिंक यही पिछले महीने के आखिरी तारीख को पूरी हुई है। बेसिकली हमने एरिया में एडिशनल एक्सेसरीज और शूज फुटवेयर हमने बढ़ाया है और सुविधा के लिए ये है कि पूरी तरह वातानुकूलित है, रीजनेबल प्राइस होगा एंड यस शॉपिंग के बेहतर एक्सपीरियंस आप देख पाओगे वहाँ पर। इनॉग्रेशन बेसिकली कल से है, रेनोवेटेड स्टोर का पहले से ज़्यादा आप वैरायटी देख पाओगे। आप पहले से नई बहुत नई नया कुछ आया है, स्पोर्ट्स शूज में हमने बढ़ोतरी की, हमने बेसिकली यही हमारा आने वाले दिनों में काफी वो बाद में आपको पता चल जाएगा ऑफर क्या है और रेट में दे रहा है, ये आम पब्लिक जानती है इसके बारे में।